अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया बैठक। 6 जनवरी को जोरदार रूप से किया जाएगा धरना। भाजपा महिला मोर्चा के गिरिडीह स्थित नया परिषद भवन में गिरिडीह भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के खिलाफ जोरदार रूप से विरोध करने का प्रदर्शन किया जाएगा। महिला मोर्चा ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। 5 सूत्री मांगों में जिला कमेटी सम्मानित महिलाओं को नई कमेटी में संगठित कर उन्हें सम्मानजनक पद मिले। कई मंडलों के अध्यक्ष का चयन जिला अध्यक्ष द्वारा पैसे लेकर किया गया, जिसकी जांच की जाए। नई कमेटी को भंग करने की बात व जिला अध्यक्ष को हटाने की बात जिले के सभी माननीय वर्तमान एवं पूर्व सांसद व विधायक एवं प्रमुख नेताओं की बैठक कर नई कमेटी बनाने की बात कमेटी में नई मंडल में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक विधायक के इशारे पर हटाया गया, जिसकी जांच स्पष्ट रूप से की जाए। यह सभी 5 लोग शामिल हैं। महिला मोर्चा के द्वारा बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से यह सब पूरा करने की मांग की है। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रेमा तिवारी ने बताया कि महिला मोर्चा द्वारा आज बैठक किया गया, वही सभी प्रखंड स्तर पर बैठक किया गया। हम लोगों के द्वारा 8 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में जोरदार रूप से इन सभी मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। यदि लोगों ने मांग यहाँ से पूरा नहीं होता है तो हम लोग राज्य स्तर पर 2 दिवसीय धरना देने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर प्रेमा तिवारी के अलावा जिला महामंत्री नीलू सोना, मीडिया प्रभारी में मोनिका दास, मंडल अध्यक्ष बीना देवी, लता वर्मा, संगीता शर्मा, कांता देवी, अंजनी देवी, काली देवी, किरण पांडे, बेबी कुमारी समेत कई लोग उपस्थित थे। महिलाएं हैं और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनको सही जगह नहीं मिला हुआ है। इसको लेकर के हम लोग 8 तारीख को 1 दिवसीय धरना देंगे कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में। तो उसको लेकर के हम लोग आज बैठक किए कि सभी महिला लोग जोर शोर से अपनी अपनी तरफ से सभी महिला लेकर के आएंगी तथा वहां पे धरना दिया जाएगा। इतने आपके ग्रुप में से मतलब जो लोग विरोध कर रही थी जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष के खिलाफ, उन लोग को भी देखा जा रहा है कि वो जिला कमेटी के हर कार्यक्रम में शामिल हो रही है, ऐसा कि मतलब क्या ये माना जाए कि विरोध करने वाले भी अब लोगों को विरोध करने वाले तो कोई भी जिला कमेटी में अभी तक नहीं गए हैं। कुछ ऐसे चेहरों को देखा गया महिला समिति की, महिला में तो कोई भी नहीं गई है और बाकी तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग महिला में से कोई भी नहीं गए हैं, मगर वो सक्सेस नहीं होगा। के जो नई कमेटी में जितने भी महिला समिति शामिल किया गया है, रागिनी लहरी या तो या और लोग भी हों, उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि क्यों पुराने चेहरे ही संगठन में समिति के पद पर बने रहे, नए चेहरे। हमारे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी जो ये पद जो दिए हैं, ये पुरानी जितनी भी महिला है उन लोगों को दरकिनार किए हैं और जो नई अभी आई हैं उन लोगों को पद दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं महादेव दुबे जी से कि आखिर ऐसा वो क्यों किए, क्योंकि अभी मतलब जो भी हम सुने हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि जब तक सक्रिय कोई नहीं होता उसको पद नहीं दिया जाता है, और जो अभी आई है 6 महीना हुआ है जो